मैं कुलदीप सिंह धालीवाल एनआरआई मंत्री पंजाब देशवासियों को और पंजाब वासियों को यह कहना चाहता हूं कि आज भारत की सियासत में, महाराष्ट्र की सियासत में जो कुछ केंद्र की बीजेपी सरकार ने किया है, जैसे उन्होंने पहले ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके शिवसेना को तोड़ा था, उसी तरह आज शरद पवार जी की पार्टी को तोड़कर जिस नेता पे बीजेपी के लीडर बोल रहे थे कि कोई बहुत बड़ा गबन किया जिस नेता ने, उस नेता को आज उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। ये बहुत ही घटिया और निंदन जो कार्रवाई है, और मेरे को मान है कि मैं उस पार्टी में काम कर रहा हूं। मैं अपने कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में आम आदमी पार्टी की पार्टी में आम आदमी पार्टी का एक वर्कर हूं, जिस पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया जी और सतेंद्र जैन जी ने गोडे नहीं टेके ईडी और सीबीआई के आगे, उन्होंने जेल को पहल दिया, उन्होंने जेल जाना मंजूर किया, उनको लालच दिए गए कभी कई बार कि आप आम आदमी पार्टी छोड़ दो, आपको जे कर देंगे वो कर देंगे। पर मेरे को गर्व है ना मेरा कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल, ना मनीष सिसोदिया जी और ना सतेंद्र जैन जी ने ईडी और सीबीआई के गाड़ी, केंद्र की भाजपा के गाड़ी गोडे नहीं टेके, बल्कि जेल को पहल दिया, उनके आगे डटे हुए हैं। इसी तरह ही मेरे पंजाब के मानयोग्य मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान पूरी ईमानदारी डट के बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़े हैं। हमें कितना तंग किया जा रहा है पंजाब को, कभी बीजेपी वाले हमारे फंड रोक देते हैं, कभी रूरल डेवलपमेंट के फंड रोक देते हैं, कभी हेल्थ के फंड रोक देते हैं, और कभी अपने गवर्नर के राही भगवंत मान जी को और पंजाब सरकार को परेशान करते हैं। पर मेरे को गौरव है अपने मुख्यमंत्री जी के ऊपर कि वो बीजेपी के खिलाफ डटे हुए हैं, लड़ाई लड़े हैं। हम सब भगवंत मान जी के साथ हैं, हम सब अरविंद केजरीवाल जी के साथ हैं, और कभी भी गोडे नहीं टेकेंगे, कभी भी सीबीआई ईडी से डर के कभी भी बीजेपी में ना शामिल होंगे, ना बीजेपी के आगे अपने हथियार डालेंगे, बल्कि उनके खिलाफ पूरे देश में एक जबरदस्त जंग जो है अपने कौमी कन्वीनर भगवंत मान जी की अगुवाई में लड़ेंगे। मैं यही आपको बोलना चाहता था कि आपने आज देख लिया कि कैसे बीजेपी ने महाराष्ट्र में गदर किया, कैसे बीजेपी वाली केंद्र सरकार मोदी और अमित शाह कैसे जो पंजाब को हमें तंग परेशान कर रहा है। बट ये लड़ाई जारी रहेगी, हम गोडे नहीं टेकेंगे, हम दल बल्लू नहीं करेंगे, हम जब भी लौट पड़ी देश के लिए जेल को पहल दे देंगे, पर इनके गाड़ी अपने गोडे नहीं टेकेंगे। जय मैं आपको कहना चाहता था, धन्यवाद।